नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कैसे घर के साउथ वेस्ट दिशा को, साउथ ईस्ट दिशा को और पूर्व दिशा को बैलेंस करने के बाद बिटिया की शादी हो गई। हाँ बिल्कुल, ये संभव है। महावास्तु में सब कुछ संभव है। हमारे एक सीनियर है प्रभाकर जी, हम लोग ऑफिस में ऐसे ही चर्चा कर रहे थे वास्तु के बारे में, तो वो कहते हैं कि सूरज, क्या घर में कुछ अनबैलेंस होने के बाद शादी वगैरह भी डिले होती है? मैंने कहा हाँ, कुछ रुकावटें आती है। तो कहते हैं कि मैं बिटिया के लिए वर देख रहा हूँ, लड़के वाले आते हैं, कभी हम रिजेक्ट कर लेते हैं, कभी वो रिजेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसा योग घटित नहीं हो रहा है, तो कुछ अगर घर में हो तो तुम देख लोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग शाम को उनके घर में गए। अब हमारे पास तो मैप था ही था, तो घर में गए। घर में जाने के बाद डिग्री ली, प्लॉट किया, ग्रिड किया, और ग्रिड करने के बाद क्या ध्यान में आया कि जो घर की साउथ वेस्ट दिशा है वहां पर हरा रंग किया हुआ है, तो पृथ्वी तत्व की दिशा में अगर वायु तत्व आ गया तो पेड़ की मूलें जमीन को फाड़ देती है, आपको तो पता ही है, तो उससे संबंध जुड़ नहीं रहे थे। और जो साउथ ईस्ट दिशा है अग्नि तत्व की, जिसके कारण अग्नि तत्व के कारण घर में खुशी के पल घटित होते हैं, कुछ अच्छी इवेंट्स घटित होते हैं, वहां पर टॉयलेट थे। और पूर्व दिशा काफी छोटी थी, उसके मैग्नीट्यूड में काफी छोटी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि जो साउथ वेस्ट दिशा वाली रूम है उसे आइवरी कलर करने के लिए कहा, उन्होंने वो कलर कर दिया। और साउथ वेस्ट में जो उनके पितरों की फोटो थी उसको गोल्डन कलर में फ्रेम करके साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा दी। साउथ ईस्ट दिशा का जो टॉयलेट है उसे रेड पट्टी से ब्लॉक कर दिया और एक खूबसूरत सा रेड कलर का फ्लावर पॉट साउथ ईस्ट दिशा में रख दिया। और जो टॉयलेट मतलब बाथरूम पूर्व दिशा में आ रही थी वहां पर एक हरे कलर का बल्ब लगा दिया, छोटा सा प्लांटर खिड़की में लगा दिया। तो हुआ क्या, 42 डेज में बिटिया की शादी फाइनल हो गई, संबंध भी अच्छा मिला और सब कुछ हो गया। वो आए, उन्होंने कहा एक और छोटी सी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले शादी तो फाइनल हो गई, बस शादी में आगे की जो बातें हैं, कहाँ शादी करनी है, कैसी करनी है, ये सब फाइनल नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ उपाय है? मैंने कहा है, आपके समधी जी और जो मध्यस्थी है इनका नाम पीले कलर के पेपर पर थोड़ा सा छोटे साइज में सफ़ेद कलर का पेपर चिपकाइए और उस पर पीले कलर के पेन से उनका नाम लिखिए, और ये जो पेपर है ये घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में चिपका दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया और 10 दिन के बाद उनकी मीटिंग थी, मीटिंग घटी थी, और वहाँ पर जो समधी जी और मध्यस्थी थे ये कुछ बोलना चाहे उनसे पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि प्रभाकर जी आप सभी प्लानिंग आप ही करिए, कहाँ करना है, कैसे करना है, हमारे लिए उसके लिए पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। तो यही है महावास्तु का जादू। ये जादू आप भी अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए mvtrainer.net और astrocrat.net पे जाके आपके घर के नज़दीकी महावास्तु ट्रेनर से बात करनी है और अपने समस्या का समाधान लेना है। धन्यवाद।